नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के युवा और अनुभवहीन गेंदबाजों ने बेहद अनुशासित प्रदर्शन करते हुए चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को ऑस्ट्रेलिया की आखिरी 5 विकेट पहले ही सत्र में लेकर उसकी पहली पारी 369 रन पर समेट दी। शार्दुल ठाकुर ने 94 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि पहला टेस्ट मैच खेल रहे वॉशिंगटन सुंदर ने 89 और टी नटराजन ने 78 रन देकर 3-3 विकेट चटकाए। लंच से पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने 95 रन के भीतर 5 विकेट गंवा दिए। अपने प्रमुख खिलाड़ियों की चोटें से जूझ रही भारतीय टीम के लिए इन गेंदबाजों का प्रदर्शन इसलिए भी काबिले तारीफ है क्योंकि इनके पास टेस्ट क्रिकेट का अनुभव नहीं है और सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रतिद्वंदी है। 5 मुख्य गेंदबाजों के चोट के कारण नहीं खेल पाने से भारत ने नेट गेंदबाज नटराजन और सुंदर को इस मैच में उतारा था। नेथन लियोन ने 22 गेंदों पर 24 रन, मिचेल स्टार्क ने 35 गेंदों पर 20 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 350 के पार पहुंचाया। लेकिन डेब्यू करने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने दूसरे दिन 2 विकेट निकाले। इसके अलावा टी नटराजन ने आखिरी विकेट निकालकर अपना तीसरा विकेट हासिल किया। आपको बता दें, मैच के पहले दिन ही टी नटराजन ने मानस लाबुशेन और मैथ्यू वेट के रूप में 2 विकेट निकाले थे। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने मैच के पहले दिन स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज का विकेट निकाला था। आपको बता दें, टीम इंडिया की तरफ से टी नटराजन ने 78 रन देकर 3 विकेट, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने 94 रन देकर 3 विकेट, वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 89 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 77 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। टीम इंडिया के अनुभवहीन गेंदबाजों ने जिस तरीके का प्रदर्शन अब तक ब्रिस्बेन टेस्ट में किया है, बल्लेबाजों का अगर थोड़ा भी सहयोग मिल गया तो ये गेंदबाज इतिहास रच सकते हैं। अब देखना है टीम इंडिया के बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी ब्रिस्बेन टेस्ट में करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।